देख रहे हैं HNI लाइव, हर खबर के साथ। महाराष्ट्र के थाने शहर में बीजेपी व ईडी के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ ईडी के तरफ से दाखिल किए गए मामले को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता इसे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की सोची समझी राजनीति करार दे रहे हैं। थाने शहर में ईडी एजेंसी का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने अपना विरोध दर्ज किया। आगे देखिए खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार ईडी के माध्यम से हम सभी के श्रद्धे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को ईडी के मार्फत बदनाम करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। जिस सहकारी बैंक में ना वो कभी डायरेक्टर थे, न कभी किसी मीटिंग उन्होंने अटेंड की, झूठा केस बनाकर ईडी के मार्फत राज्य के दृष्टि राष्ट्रवादी और आदरणीय साहब को बदनाम करने का षड्यंत्र ये नरेंद्र मोदी सरकार और फसवणी सरकार कर रही है, इसका आज निषेध हमने उनका पुतला जलाकर किया है। आने वाले दिनों में श्रद्धेय हमारे साहब को यत्किंचित भी तकलीफ अगर भाजपा सरकार और ईडी ने दी तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भाजपा सरकार तैयार रहे। पूरी तरह से ये राजकीय खेल बीजेपी सरकार कर रही है।